अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो आज जुमा का दिन है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है हम कर रहे हैं खैरात, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि हमने करनी है। तो अभी अबू जान जो हैं वो जा चुके हैं सामान लेने बाज़ार, और जैसे ही आते हैं जब तक पकाने वाला भी आ चुका होगा। तो सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। सो मैं अभी जाकर नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। और आज तो माशाल्लाह जुमे का दिन है, मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो नहा लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा सीन वो आपसे शेयर करेंगे। चावल और जो बाकी मसाला जात हैं वो मैं लेके आ गया हूँ बाज़ार से। तो अभी जैसे ही पकाने वाला आता है तो फिर इसको बाहर ले जाएंगे। इस वीडियो में तमन किया है यमी एंड स्पाइसी फूड, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती हैं, आपने जाकर इनको सब्सक्राइब करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी पकाने वाला आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अभी भाई जो हैं वो देख के लिए जगह बना रहे हैं। इतना छा आई में ना ऊं जगह धूप पई उड़े इधर छा है। कोई गल ठीक है, बस हुन लग गए थे गया। और मिट्टा बच गया इनाल ले गया उधर उधर का का पल गया उधर भी कोड़े चावलों को अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो दिया है, और साथ में गोश्त था उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, गोश्त को भी रख दिया है साफ़ सुथरा करके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो देग है वो चढ़ चुकी है इस वक्त आग पर, और माशाल्लाह आज मौसम काफ़ी प्यारा है। आज जुम्मे का दिन है और मौसम भी काफ़ी प्यारा बना हुआ है आज। चावलों को अभी दम पर रख दिया है, और 30 मिनट का दम होता है इस चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के बाद दम खुल चुका है। आप देखेंगे कितने मज़ेदार जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल हैं वो हमने शापरूम में डाल लिए हैं, और अब हम जाएंगे वो तकसीम करेंगे जो हमारे घर के साथ में, मतलब जो एक मोहल्ला है वहाँ पर, गाँव में, पूरे गाँव में। तो शॉपर में डाल लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी हमने शापरूम में डाल लिए हैं चावल, ये अब हम जाएंगे तकसीम करेंगे गांव में, और बिल्कुल खाली हो चुकी है, देख कमी पड़ेगी। तो भाई और अबू वगैरह पहले ही जा चुके हैं एक ऐसी बाल्टी लेकर बांटने के लिए गांव में। तो ये बाल्टी अभी पड़ी है, ये भी बांटेंगे, ये मैं अभी लेके जा रहा हूँ बाइक पर, मैं और एक छोटे कज़न को बिठा लूँगा तो इसको वो पकड़ेगा पीछे से, तो इसको बांट के आते हैं। तो अभी जो है घरों में सब कुछ बांट दिया है,
जिसको भी देना था हमने सब जो है वो बांट दिया अपने गांव में। तो आज के ब्लॉग में यही था, क्योंकि हमने ये काम लाजमी करना था, सो आज ये काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जुम्मे का दिन भी था, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अभी जी शाम का टाइम हो चुका है, सूरज बिल्कुल ढल चुका है, आप देखें। तो अभी आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह एक ताज़े नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत सारा ख्याल, और हमें रखिएगा अपने दो में याद। और इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह निगहबान।